एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रचना पलक चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हो। और पता है अभी मैं 3 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और 3 बार डिलीट हो गया है मुझसे। और पता नहीं क्यों मुझे ना मैं बोल नहीं पा रही थी। अभी गुड आफ्टरनून का टाइम है और मैं गुड इवनिंग बोल रही थी बार बार। और ये देखो ये आ गए मेरे कन्हैया। हाय बोलो। हाय हाय, हमने टोपी खा ली ऐसे बात करते हैं, हमने टोपी खा ली। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के भजिया, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ ठीक है, बनाऊंगी। हाँ बनाऊंगी ना, तो मुझे बात नहीं करने देता बिल्कुल भी। तो मूंग दाल की भजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे भी मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, मैंने मूंग दाल को ना गलने के लिए रख दी थी सुबह ही, तो वो अच्छे से गल चुकी है। मैं उसको पीस लेती हूँ, जो भी तैयारियाँ हैं वो मैं कर लेती हूँ। और बाबू आने वाले हैं ड्यूटी से और जल्दी आ जाएंगे, वो बोल के गए थे कि जल्दी आ जाएंगे क्योंकि उन्हीं को खाने हैं मूंग दाल के भजिया। उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। क्या यार है ना, टाइम थोड़ी लगता है बनाने में, बस दाल गल जाए तो टाइम ही लगता है फिर। तो चलिए फिर। और हाँ, कढ़ी भी बनाने वाली हूँ मैं, कढ़ी चावल, मूंग दाल के भजिया बनाऊँगी, पापड़ रोटी, ये सब बनाने वाली हूँ। रेसिपी अकेले करूँगी मूंग दाल के भजिया की। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और गला मेरा बैठा हुआ है ना बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं चलेगा। चलो, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए फिर लग जाते हैं काम में, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए, है ना। बाय, गुड मॉर्निंग फैमिली। और सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के साथ मूंग दाल की भजिया की रेसिपी शेयर करूंगी, बट नहीं कर पाई हूं, उसके लिए सॉरी। कल क्या हुआ, जैसे ही मैंने कल वीडियो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है मुंह में नहीं डालते गंदी बात होती है, तो मैंने कल वीडियो स्टार्ट किया हुआ था। फिर इसके बाद में जैसे ही मैंने दाल पीसी ना मूंग की, और लाइट कट गई, और जब लाइट कटी है ना तो फिर रात में 11 बजे आई थी लाइट, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो इसकी वजह से फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैं ना फिर अंधेरे में ही सारा काम किया मैंने, और अंधेरे में खाना भी खाया, और सब कुछ पूरा काम मैंने अंधेरे में कर लिया, झाड़ू पोछा जो भी। फिर रात में भी मैं पोछा लगा देती हूँ, है ना, जो भी रहता है मैं साफ़ सफाई रात में ही कर देती हूँ। तो उसका भी मैंने अंधेरे में ही सब करके डाल दिया। मैंने कहा अब क्या करूँ, लाइट तो आने वाली नहीं, काम तो करना ही होगा, इसलिए मैं ना मूंग दाल की रेसिपी, मूंग दाल के भजिया की रेसिपी नहीं शेयर कर पाई हूँ आप लोगों के साथ में। जब भी बनाऊँगी मैं शेयर करूँगी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। मैंने बोला था लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो अब देखते हैं क्या। और फिर हाँ, फिर जैसी लाइट कटी ना तो फिर मैंने फिर आगे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा अब क्या रिकॉर्ड करूँ अंधेरे में, है ना। अब मैं आप लोगों से कल वीडियो को स्टार्ट किया हुआ था और इसके बाद में आज मिल रही हूँ, और पता नहीं अभी ये वीडियो कब जाएगा, बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि अभी वीडियो बनाएंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, फिर इसके बाद में अपलोड करेंगे, तो अभी कोई भरोसा नहीं है कब इसको डालेंगे। तो चलो, अभी तो मैं थोड़ा सा काम है तो वो मैं कर लेती हूँ, और ये छोटा सा वीडियो ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है काम, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। चलो फिर मिलते हैं। और यहाँ पर ये बन रही है चाय, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई है। और यहीं पे मैं ना खाना की तैयारी भी करती जा रही हूँ। ये देखो, वहाँ पे मैंने आटा निकाल के रख लिया है, और भी काम जो है ना छोटे मोटे वो सब मैंने कर लिए हैं। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, जैसे किचन में आती हूँ ना, जो भी काम रहता है फटाफट से वो पूरे कर लेती हूँ, क्योंकि वहीं पर चाय रख देती हूँ, वहीं पर जैसे आटा लगाना है, सब्जी काटनी है, तो करते जाते हैं काम, जल्दी हो जाता है। और एक गिलास में ना भाइयों के लिए चाय है, तो थोड़ी सी चाय डाल देती हूँ और दूध डाल देती हूँ, तो ए भाइयों के लिए है, और थोड़ी सी जो पीले कप में है ना तो वो पलक के लिए है, और ए मेरे लिए रखी हुई है। तो और कप बताओ कैसा लग रहा है, मेरा कप अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग भी आ जाइए, ए आप लोगों के लिए और मेरे लिए चाय है। पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पर मैं ना ये थोड़ी सी खड़ी धनिया रखी हुई, थोड़ी नहीं है, 3 किलो है, तो ये 3 केजी
खड़ी धनिया इसको मैं ना साफ करूँगी और साफ करके इसको ना पिसवानी है। तो बाबू बोल रहे थे इसको साफ कर दो, तो मैं इसको ना मैं घर पे नहीं पीसती हूँ मिक्सी में, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी ना मोटी सी रहती है इसलिए मैं घर पे नहीं पीसती हूँ, तो बाहर से पिसवा लेती हूँ। इसको साफ करके रख दूँगी तो ये भी पिस जाएगी और बरसात के लिए हो जाती है बहुत सारी। यार सबसे ज़्यादा ना धनिया ही लगती है, मिर्ची और हल्दी इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी धनिया लगती है। और पलक गई थी बाहर तो पता नहीं क्या बोल रही थी, और जब वो निकली थी ना तो आप लोगों से हाय करती हुई जा रही थी, तो मैं ना उसके फेस को देख के मुझे हंसी आ गई कि देखो कैसे हाय करते हुए जा रही, जब बोलती हूँ ना कि वीडियो में आ जाओ तो आती नहीं है और आज ना अब हाय करके जा रही है। और भाई वो तो रोता रहता है कि हमें तो वीडियो में आना है वीडियो में आना है, पलक नहीं आती उतनी, उसको इतना शौक़ नहीं है, भाइयों को कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। फैमिली अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, और खाना में सिर्फ बनेगा दाल चावल और कुछ भी नहीं अभी तो। सो रेसिपी शेयर क्या करना है दाल चावल की, तो अभी मैं बना लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि दाल चावल बनाना गर्मी बहुत तेज है। तो मैं पहले सोच रही थी ना सब्जी पूड़ी बना लूँ, फिर मैंने कहा रहने दो दाल चावल बना लेते हैं। सो अभी दाल चावल बना रही हूँ मैं। और कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे? ऐसे कौन करता है मस्ती? हाँ कौन करता है मस्ती? इतनी मस्ती करते हो यार, इतनी मस्ती क्यों करते हो? पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, बस मस्ती करते रहो मस्ती करते रहो। मस्ती बहुत मस्ती करता है यार, बहुत ज्यादा है। खाने के ले 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 ले। और यहाँ पर मैंने ना खाना बना के रख दिया है, और एक खरबूजा रखा हुआ था तो बच्चों के लिए खाना था, मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, मैंने कहा अभी बाद में दे देंगे। और इतने में ना पलक सो गई थी, तो मैंने पलक को उठाया है तो उसका फेस देखो कैसे वो नींद में बैठी हुई है। और पता है मैं उसको नींद से उठाने के लिए मैं बोल रही थी पलक चलो डांस करो डांस करो, तो अभी देखना वो थोड़ा सा करती भी है। और फिर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, खाना पीना हो गया और इसके बाद में यहाँ पर बस हम लोगों की खरबूजा पार्टी चल रही है। इनको देखो मैंने कैसे खिलाया है। तो फैमिली चलिए फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लो, मुझे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज़ जल्दी से चेक करो क्या कर रहे हो और मुझे फॉलो करो। बाय।